चलिए बच्चों, आज हिम्मत है कि नहीं रासायनिक क्रिया करने के लिए। हेलो एल्केन में मैं पूछा, मैंने हिम्मत है कि नहीं सीखना है, जिनको आता है वो बताएंगे। अब बात बेटा एक बात है, एक टीचर बोले बच्चों को हिम्मत है कि नहीं, ये कौन सी अच्छी बात है? नहीं है ना, लेकिन यार चैलेंज तो लेना पड़ेगा बच्चों आपको, क्योंकि चैलेंज लोगे तो आगे बढ़ोगे। भाई मैं पीछे से बोल रहा हूं, बैकग्राउंड से बोल रहा हूं, अब समझो कि अब हमें इसके रिएक्शन समझने हैं आप, क्योंकि हेलो एल्केन क्या है हमने समझा, बनाने की विधि हमने समझा सीखा। अब भाई बात होती है भौतिक गुण, शायद हम देख लिए हैं भौतिक गुण भी देख लिए, ओके देख लिए। अब बात है कि अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करो ताकि मैं आ जाऊं आपके पास क्लास में। और पहला काम कि अब बनता है रासायनिक गुण। आप याद रखो कि अगर हेलो एल्केन में रासायनिक गुण अगर आपने सीखा समझा पढ़ा तो 100% श्योर है कि अब समझ लेना कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन बनाने आते हैं। जल्दी से बुलाओ बेटा सामने, तभी आऊंगा मैं। कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों ने कहा है कि उन्होंने शेयर किया? अगर आपने क्लास शेयर किया है तो मैं आ रहा हूं भाई, आज मेरी शर्त है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं क्लास, और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूं। चलिए कितने बच्चे हैं, और लाइक वाला बटन दबा के भी बताओ कि आपने ऐसा किया है। तो चलिए हम आएंगे, जल्दी आएंगे भाई। अब भी पीछे से बोल रहा हूं, इस फोटो के पीछे से, और फोटो को जैसे हटाऊंगा उसके सामने मैं आ जाऊंगा, ठीक है? तो चलिए आज रासायनिक गुण पढ़ेंगे, क्या आप तैयार हैं? हां कि ना? रतन जी आवाज आ रही कि नहीं? देखो कैसी साफ आ रही कि नहीं आ रही, कान में लगा के एक बार देखो, आ रही है ना एकदम साफ आवाज? अगर आ रही है तो फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना, शुरू करेंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं देखो, तो तैयार हैं पढ़ने के लिए? तैयार हैं? अरे भाई मानना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए तैयार है। तो चलिए बातें बाद में करेंगे, पढ़ाई पहले। सो हमारा काम है आप तक आने से पहले अपना पेन और कॉपी हम निकाल लें कि आप लोगों ने निकाला है कि नहीं, ये बताइए। और हमने कहा बहुत सरल है, क्या सरल है भाई? सरल है रासायनिक गुण। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण बहुत सरल, इससे रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अभी देखिए बहुत सारे, कुछ बच्चों ने कहा राम राम, कुछ बच्चों ने कहा सर जी, नमस्कार सर जी, यस सर जी, गुड इवनिंग जी, हाँ जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, कर दें आज की क्लास की शुरुआत कर दें। और इधर रतन जी भी बोल रहे हैं, सर हिला दिए उसने कि भाई आप शुरुआत कर दो, बच्चे वेट कर रहे थे काफी देर से। तो कॉपी और पेन निकाल लिया आपने, प्रिया अमन पटेल। चलिए आप रेगुलर क्लास नहीं लेते भैया, ये रेगुलर क्लास नहीं है तो क्या है? और हमारी वीडियो तो रखी है यूट्यूब पे, आप रेगुलर पढ़ो ना, किसने मना किया है आपको? अब बोलेंगे सर वो पुरानी हो गई बासी हो गई, ऐसा नहीं होता भाई, ये रोटी नहीं है कि बासी हो जाएगी दो दिन में सड़ने लग जाती है, ये पढ़ाई है। चलिए अब भाई लाइव में इधर उधर की बातें हो जाती है, आपको बुलाने में लग जाता है टाइम और बहुत टाइम निकल चुका है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। क्या आप जानते हो रासायनिक गुण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हेलो एल्केन को किसी और पदार्थ के साथ मिलाने पर वो क्या कोई तीसरे या चौथे टाइप का पदार्थ बनाता है? यस, अगर बनाता है तो फिर हम इन्हीं बात का अध्ययन यहां पे करेंगे। तो हम यहां पर देखें किस किस तरह की रिएक्शन करता है ये। हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ क्रिया और अपचयन अभिक्रियाएं, इतने प्रकार की अभिक्रियाएं ये करती हैं। तो इनको हम देखेंगे एक एक करके। कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं हम यहां पर, कह रहे हिम्मत है आपके पास, ओके बच्चों ने कहा 97% बच्चों ने कह दिया है, तो चलो शुरू करते हैं। और ये सब बातें एक एक करके देखते जाएंगे, पहले शुरुआत करते हैं यहां से कि भाई आप जानते हो धातुओं से क्रिया की बात करते हैं, और हेलो एल्केन का मतलब क्या जानते हो? हम लिखते हैं RX, हेलो एल्केन, ये हेलो है, हेलो है, और ये है एल्क एन एल्केन, हेलो एल्केन। यानी कि हम समझ सकते हैं हेलो मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये एक्स हुआ। और ये एल्केन मतलब क्या हुआ? एल्केन मतलब यहां पर एल्क, आर का मतलब हुआ एल्काइल ग्रुप, यानी
ये रेडिकल हुआ, एल्का रेडिकल, आर से सब दर्शाते हैं इसको। तो ये हो गया सी एच थ्री, सी टू एच फाइव, सी थ्री एच सेवन। अब बस इतना जानने के बाद आगे के काम शुरू। ओके, तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं धातुओं से क्रिया। अब भाई एक बात बताओ, धातुओं से, हेलोएल्केन को किन किन धातुओं से रिएक्शन करके हमें देखना है? तो पहला देखते चलिए, ये आर एक्स की क्रिया, आर एक्स मतलब हेलोएल्केन की क्रिया सोडियम धातु से, जिंक धातु से, कॉपर धातु से, मैग्नीशियम धातु से, लिथियम धातु से कराते हैं। और इनसे होता है इनके साथ रिएक्शन, सारे रिएक्शन इन्हीं के साथ, ये सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और लिथियम के साथ। और सब में एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, वो है, वो है ड्राई ईथर की उपस्थिति में इनको गर्म करेंगे। ये ड्राई ईथर का काम क्या है? ड्राई ईथर का काम है कि हेलो एल्केन को इसमें हम घोल करके सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं। तो ये काम सब जगह पर सेम है, सब जगह पर सेम है। मैंने पूछा आप सबसे कि हिम्मत है कि नहीं, बच्चों से ऐसे नहीं पूछना चाहिए, फिर भाई मैं पूछा इसलिए कि आप चैलेंज लो, कि आप चैलेंज लोगे तो आप अपने क्लास में सबसे बेहतर होके निकलोगे। आपने चैलेंज लिया, लिया, कॉपी पेन में लिख रहे हैं भाई, लिख रहा है बस 85% बच्चे। क्या कर सकता हूं मैं, नहीं लिखोगे तुम्हारी मर्जी, हमें क्या करना, लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं लिखोगे तो वहीं अटकोगे। अभी अभी बस सुनोगे, कल क्रेडिट में बोलोगे विक्रम सर आपने समझाया नहीं, समझ में आया, मैं क्या कर सकता हूं, फिर बोलो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए याद रखो, जो बातें बताई जा रही है उसको करिए, एक बार लिखिए, एक बार पूरा लिखिए। हाँ जी चलिए लिखेंगे। हाँ जी 90% बच्चों ने कहा है लिख रहे हैं सर, वेरी गुड। कॉपी, अगर कॉपी पेन नहीं लाया हो तो पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए, जाओ और लाओ और लिखो भाई। चलो क्या इस अभिक्रिया को करा सकते हैं, क्या बनेगा हम जाने, और इनको हम देखेंगे पूरे डिटेल में, एक एक करके, एक एक करके देखेंगे। मतलब पहली रिएक्शन ये, दूसरे में आर एक्स की जिंक के साथ, तीसरे में आर एक्स की कॉपर के साथ, फिर आर एक्स की क्रिया मैग्नीशियम के साथ, आर एक्स की क्रिया लिथियम के साथ। क्या हम डिटेल में समझना चाहते हैं कि सिर्फ याद रखना चाहते हैं? चलिए जल्दी बताएं आप लोग भाई। सर गुड इवनिंग, लीडर ऑफ यूआरसी क्लब, ओके okay, इसका मतलब तो मैं नहीं जानता लेकिन बच्चे का ना, बच्चे ने आईडी बनाया है अवनीश। ओके ओके ओके, चलो साहब आगे चलते हैं। इस रिएक्शन को करने से पहले, हम शॉर्ट में करने से पहले पूरी डिटेल के साथ करते हैं। पहला काम धातुओं से क्रिया में आपको कराते हुए पहला काम करा रहा हूं, यह है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन में जरा समझो तो, जरा इसकी हेलो एल्केन की सोडियम से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है, लिखा हुआ सब मिल जाएगा। वुड्स रिएक्शन क्या? मैंने बोला वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन कॉपी में लिखेंगे, पूरा थ्योरी के साथ लिखाऊंगा, लंबा लिखूंगा, अभी लिखा लंबा वाला नहीं, हल्का फुल्का समझ लो पहले। वुड्स रिएक्शन में यह होता है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया, ये रिकॉर्डिंग बटन दबा दो भाई यहां का, ये लाइट वेट चली गई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3Cl, इसकी अभिक्रिया में सोडियम धातु के साथ कराता हूं। आप इस बात का ध्यान दें, ड्राई ईथर की उपस्थिति में इनको गर्म कर रहा हूं। मुझे बताओ एक बात, क्या सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकती है? आपको पता है सोडियम को क्लोरीन बहुत पसंद है, और जो चीज जिनको पसंद होता है ना उसे वो पकड़ लेता है। तो इनके बंधन को तोड़वा के ये सोडियम जो है
इस क्लोरीन को ग्रहण कर लेगा तो क्या बनेगा बोलो तो जरा, NaCl। इतना तो आसान है। जब ऐसा हुआ ना तो इस जगह पे क्या हुआ जरा सोचो, इसकी संरचना बेटा नाम देखो, रिएक्शन बनाने कई बच्चे बोलते हैं मुझको कि नहीं आता है। क्यों नहीं आता यार? इसलिए ना कि आप सीखना नहीं चाहते, आप आपको लगता है कि ये तो यार बहुत इजी है यार समझना, ये हो सकता है या ये हो सकता है कि ये बहुत कठिन है। तो क्या है प्रॉब्लम, सीखना नहीं चाहते कि सरल है कि कठिन है? क्या प्रॉब्लम है केमिस्ट्री के साथ कि इतनी मेहनत नहीं करते? तो आप अपने हिसाब से हिसाब लगाइए और बताते रहिए, पहले पढ़ाई करते हैं। NaCl बन गया। अब जरा इस चीज को समझो कि हुआ क्या इसके साथ, क्या दगाबाजी हुई है। देखिए ये कार्बन की चार संयोजकताओं में से एक Cl जुड़ा हुआ था, Cl को ले गया सोडियम, ये बच गया। अब ये बच गया तो इसकी संयोजकता बच गई है, तो भाई ये तो एक बार हुआ। ऐसे ही अब मैंने सोडियम लिया, इसका मतलब उसमें एक ठो Na नहीं है, अरबों खरबों Na है। इतना छोटा सा सोडियम में अरबों खरबों परमाणु हैं सोडियम की। थोड़ा सा मैंने क्या बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड लिया, उसमें अरबों खरबों परमाणु हैं। आप समझते हैं इन बातों को? मैं पानी की एक बूंद लेता हूं तो उसमें अरबों खरबों H2O होता है। एक H2O नहीं है, पानी H2O है, ऐसा नहीं। बस कॉन्सेप्ट को ठीक करो, 90% बच्चों का कॉन्सेप्ट गलत रहता है। पानी H2O है। तो मैंने कहा भाई ये एक गिलास में पानी है, जरा समझोगे, एक गिलास में पानी है वो क्या है? H2O है। तो मैं बोलूंगा आधा गिलास में पानी है वो क्या है? तो क्या बोलोगे? H है एक और एक आधा O है बोलोगे? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। इसमें ये भी H2O है, ये भी H2O है, तो आधा ये जब हो गया पानी, आधा गिलास हो गया है, तो ये H2O कैसे हुआ? तो आधा हो गया, यानी कि H2O by 2 हो गया। नहीं भैया, उसमें हम H2O है बोल रहे हैं, मतलब H2O की अणुएं बहुत सारे हैं, ये इसका मतलब होता है। बात समझ में आया होगा मेरी? H2O की बहुत सारी अणुएं हैं, कुछ अणु क्रिया करती हैं, कुछ अणु क्रिया नहीं कर पाती हैं। बात समझे? चलिए साहब, वैसा ही कुछ समझते हुए हम इन बातों को समझे। मैंने सोडियम के रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराया, तो सोडियम की कुछ अणु परमाणु मिथाइल क्लोराइड के क्लोरीन को लेकर के निकल गया। वैसे ही ऐसे बहुत सारे ऐसे बने, क्या बने बोलो? बहुत सारे CH3 बने, बहुत सारे उतने संयोजकताओं के साथ बहुत सारे CH3 बने। तो आप देख रहे हो इसकी संयोजकता एक बची, इसकी संयोजकता एक बची, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब हुआ क्या? CH3 आपस में जुड़ गया, मतलब C2H6 बन गया, यानी यहां पर बन गया C2H6, अर्थात CH3 और CH3 जुड़ गया। तो क्या हुआ? तो इसके कितने दो ठो जुड़ा है CH3, तो ये दो संतुलित कर रहे हैं। ये Cl देखो, CH3 दो ठो आपस में जुड़ गए, दो Cl एक Cl के साथ एक Na, तो दो Cl के साथ दो Na, तो ये हो गया दो NaCl बन गया, 2 हो गया। ये ही प्रक्रियाएं होती हैं। और जिन बच्चों को नहीं आया समझ में, एक ही काम करो, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, और जिनको समझ में आया भैया आज पार्टी हो जाए यार, है ना, आज पार्टी हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। सत्य कुमारी, अक्षिता कश्यप, ओके, शिवम कुमार, अंजलि कुमारी, जो भी भाई, हाँ जी बेटा, चलो ठीक है। तो आपने समझा ये रिएक्शन? क्या मैं आपको एक और रिएक्शन देता हूं कि आपसे बनेगा? ये अभिक्रिया कहलाता है वुड्स अभिक्रिया, C2H5Cl की क्रिया सोडियम धातु के साथ। ये वुड्स अभिक्रिया है, सोडियम धातु के साथ कराते वुड्स अभिक्रिया है। तो अलग अलग रिएक्शन का नाम बताते जाऊंगा, आप करते जाएंगे और बताते जाएंगे। चंदन यादव न्यू स्टूडेंट, बेटा ये 5वां लेक्चर है हेलो एल्केन का, तो आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लाइन से कवर करें, ठीक है। रतन जी क्या लाइव, मैं पूछ लेता हूं एक अच्छी बात,
तो बेटा कल पे ध्यान देना, कल मैं लेक्चर 1 से 3 तक के लेक्चर को एक साथ लाइव करने वाला हूं, तो क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे? हेलो एलकेन के लेक्चर 1 से लेकर 3, क्या 1 से लेकर के 5 तक का हो जाएगा क्या? देखो तो इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा फटाफट 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 उस वीडियो को कराएंगे, हो जाएगा? करके देखना, 1.5-2 घंटे चलेगा, मगर थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी मेहनत तपस्या आपकी बढ़ जाएगी, घर में बता देना, ठीक है? ठीक। और जब, हाँ जी, चलिए अगर ऐसा करते हैं कल, तो मैं कल आपको करा देता हूं आपको क्लास, ठीक है? चलिए, हो गया। तो है बेटा C2H5Cl की NaCl क्रिया, क्या बनाए बताओ जल्दी से। अरे यार गलत भी बनाते हो यार तुम लोग। वाह, एने लग जाएगा गधों के गा। बुद्धि दौड़ाओ यार, जैसा यहां पे हुआ वही यहां पे, एने ले लेगा सीएल को लेके, भाग गया साला इसको लेके, तो क्या बना? NaCl बच क्या गया? C2H5 बचा। C2H5 जो है, दो दो C2H5 एक साथ चिपक जाएगा, क्योंकि उसको चिपकना ही होगा, क्योंकि एक संयोजकता निकल के क्लोरीन निकला तो जगह खाली हो गया C2H5 में, जो जगह खाली हुआ वहां से जुड़ जाएगा। वही तो बताया था क्या मैं इतनी देर से? और जो बच्चे लेट से हैं, शुरू से देखो आज की क्लास, थोड़ी सी बातचीत होती है भाई क्लासरूम में, लाइव क्लास ले रहे हो तो बातचीत होगी जरूर, यही ड्रॉबैक है, पर समझाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है। चलो चलो, क्या हुआ? C2H5 दो आपस में जुड़ जाएगा, C2H5 जुड़ गया C2H5, लिखोगे क्या? C4H10। ओके, दो ठो सीएल दो, एने भी दो हो गया दो। इतना नहीं समझते हो, 12th पढ़ते हो, शर्म करो, क्योंकि शर्म करना भी जरूरी है, अगर सक्सेस होना है तो शर्म करना भी जरूरी है। चलें, रॉयल राजपूत, निगम कुमारी, क्या लिखा है? कैसे इधर एक दूसरे का नाम लिखते रहते हो, क्या मिलता है तुमको? क्या सोचते हो, प्यार हो जाएगा? पढ़ाई करो, है ना, कुछ ऐसा नहीं होता है। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो बाद में मिल जाएगा सब कुछ जो चाहते हो तुम, ठीक है? क्या आप यूज उसे देखना चाहते हैं? यस, ठीक है, देखना चाहते हैं, कल होगा क्लास, 97%। ओके, 1 से लेकर के 5 तक एडिट करना, तो इधर उधर की बातें होंगी पूरा करते ना, ठीक? चलो साहब, कल मिल जाएगी आपको। चलो इधर, वुड्स अभिक्रिया, वही तो पढ़ाया मैंने। वुड्स अभिक्रिया में क्या? एल्किल हैलाइड, जिसको हेलो एल्केन कहते हैं, कि ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, और एल्केन में कार्बन संख्या सम संख्या में होती है। तो चलो, हमने पढ़ा CH3Cl की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, मैंने पीछे बताया, क्या आप करा लोगे? C2H5Cl की क्रिया सोडियम धातु के साथ, क्या रिएक्शन करा लोगे? क्या आप C3H7Br सोडियम धातु के साथ क्रिया ये करा लोगे? नहीं तो फिर आपने किया क्या है? अभी सोचो, ये मिस्टर AAR03 पढ़ने के लायक नहीं है, मुझे लग रहा है उसको, अगर 2-3 बार देखिए उसका, उसको चुभ रहा है इधर उधर की बातें, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। अगर देखना वो पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहा होगा, तो भले दूसरी आईडी से देखे, इस आईडी को उसको ब्लॉक कर देना, ठीक है? अभी कुछ मत करो, बस 2-3 मिनट और देख लो उसको, है ना? चलिए, हो गया। वो क्या, क्योंकि हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ने वाला है, ओके, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? अब इसको कर लेंगे, यहां पर लिखना इधर डेल्टा लगा देना, ओके? यस सर लिखो, बन जाएगा। ओके, अच्छा, एक बच्चा लिखा है आशीष रंजन ने, सर प्लीज IUPAC नाम भी लीजिए। भाई साहब, मैं 50 बार पढ़ा चुका हूंगा, यूट्यूब पे जाके खोल के देखो, 50 बार, मैं गारंटी देता हूं, 50 वीडियो अलग से मिल जाएंगे आपको। बस IUPAC विक्रम सिंह लिखना, विक्रम हैप केमिस्ट्री लिखना, तो आपको IUPAC वाला वीडियो मिलेगा। 4 घंटे वाला वीडियो देखना भाई, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे वाला मत देखना, 4 घंटे वाला देखना, लाइन से प्रैक्टिस करना, आप अपने क्लास के टॉपर हो जाएंगे, अपने स्कूल के, आप टीचर को भी मात दे देंगे, इतना बेहतर नामकरण आपको आ जाएगा,
गारंटी। दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं फ्रैंकलिन। याद रखो मेरी बात, अगर जिंक सोडियम धातु से रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। नाम ध्यान रखो, कैसे याद रखना, सोडियम धातु है तो वुड्स रिएक्शन याद रखना, जिंक धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो फ्रैंकलिन याद रखना। मैं लिख रहा हूं, नोट करो कॉपी में, फ्रैंकलिन रिएक्शन। कॉपर है तो अलमैन रिएक्शन, लिखो कॉपी में जल्दी से, अलमैन रिएक्शन। मैग्नीशियम है तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन लिखो जल्दी से। और लिथियम के साथ है तो कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन लिख लो भाई, लिख लो। याद रखना भैया, बोलते हैं ना अक्सर कि हम सर नाम भूल जाते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है धातु का नाम। सारे एल्किल हैलाइड की क्रिया है, एक साथ याद करो नाम। चलिए, सोडियम के साथ हुआ तो कौन सा, वुड्स। याद, ये याद करना है, क्या याद करना है मैं बता रहा हूं, क्या याद करना है, क्या समझना है, क्या सीखना है, सब अलग अलग बातें होती हैं। हम वो कई टीचर्स बोलते हैं कि आपको रटने की क्या जरूरत है, याद रखने की क्या जरूरत। अरे भाई, याद नहीं रखोगे तो काम कैसे चलेगा। एक तरफ होता है समझना चाहिए, सिर्फ समझ लोगे तो भी काम कैसे चलेगा, सीखना चाहिए। तो सीख लिए, याद ही नहीं है, क्या मतलब रहेगा, कैसे कर लोगे। तो बात याद रखना है, सब कुछ जरूरी है, सीखना, समझना और याद रखना, यानी रटना भी जरूरी होता है। तो चलिए, सोडियम धातु फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन हुआ तो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे, सॉरी वुड्स हुआ तो सोडियम धातु से रिएक्शन कराओगे, वुड्स हुआ तो सोडियम धातु से रिएक्शन कराओगे, फ्रैंकलिन हुआ तो जिंक धातु से रिएक्शन कराओगे, अलमैन कॉपर धातु के साथ रिएक्शन कराओगे, ग्रिग्नार्ड मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर लिथियम की बात आती है तब वो कहलाता है कोरे हाउस अभिक्रिया। तो देख लो, अभिक्रिया का नाम याद करना है ऐसे। मीना गुप्ता क्या लिखे सर, इसके पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करिए, कहां इसके पीछे, वो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी बुक के पीछे का, तो वो करना है तो बेटा आप उसमें आइए, आप यहां पे नहीं हो सकता है, यहां पे प्रॉब्लम होगा। पहले तो यहां पर लोग इतने छोटे छोटे रिएक्शन समझ नहीं पाते हैं, उसको सिखाना मेरा काम है भाई यूट्यूब पे। निशा लिखी है, निशा कुमारी कभी हमारा भी चैट देख लिया करिए, देख लिए बेटा, पढ़ लिए। हाँ जी निशा कुमारी, ऑफिशियल कुंदन रोहित। चलिए एक एक करके देखते हैं। दूसरा अभिक्रिया है ये वुड्स रिएक्शन, क्लियर है। तो हम एक रिएक्शन को अपन करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये बन गया NaCl। दोबारा करके दिखा रहा हूं। अब भैया यहां पर CH3 जो है दो ठो आपस में जुड़ जाते हैं, CH3 जिसको हम लिख सकते हैं C2H6। ऐसे रिएक्शन कराना है, दो बार हुआ ना ये, दो बार, ये इधर मत देखिए को भी, या तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही मतलब है। तब ये दो बार है तो हमने लिखा यहां पर दो टाइम टू, बस ये दो बार हुआ तो दो हुआ। CH3 दो बार यूज हुआ है तो Cl भी दो हुआ, दो Cl है, हमने दो किया, सोडियम दो हुआ। तो ये संतुलित करने की प्रक्रिया, रिएक्शन अलग बात हो जाए, संतुलित करना अलग बात हो जाए। अब बात करते हैं यहां पे कि देखो एल्किल इथाइल, सॉरी मिथाइल क्लोराइड में एक ही कार्बन है जबकि बने हुए में दो कार्बन है। जब भी कोई यौगिक बनाओगे, कोई भी, ये बना है एल्केन, जो भी एल्केन है उसमें कार्बन की संख्या सम संख्या में होगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं भाई, चलो वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, जिंक धातु से रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को कहा जाता है फ्रैंकलिन अभिक्रिया। अभी लिखा था मैंने, इसमें क्या है, CH3Cl जिंक धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहां पर भी है ड्राई ईथर के साथ। चलो फटाफट, जिंक की संयोजकता दो होता है, सोडियम की संयोजकता एक था, जिंक की संयोजकता दो होता है, तो सीधा सा मतलब है जिंक को, जिंक केवल एक क्लोरीन से काम नहीं चलाएगा, उसको दो क्लोरीन चाहिए, सीधा दो। तो क्या मिला, ये बन गया ZnCl2, दो हो गया, एक क्लोरीन एक ने दिया, दूसरा क्लोरीन दूसरे ने दिया। अब दो CH3 अपने आप आ गया, तो ये दोनों CH3 आपस में जुड़ गए तो C2H6 बना। इस तरह से यह भी इथेन बन गया। बना हुआ एल्केन में कार्बन की संख्या यहां पर भी सम संख्या में होगी,
चलो भाई लाइक तो कर दो यार, ज्यादा कठिन हो रहा है क्या पढ़ाने में, पढ़ने में? चलो हल्का फुल्का पढ़ाता हूं, इससे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के नहीं बात करता, ठीक है? चलो अब इसको बना के कोई दिखाएगा? C2H5Cl, जिंक धातु के साथ क्रिया। चलो गर्म कर रहे थे ना भाई, ड्राई ईथर के साथ गर्म। चलिए चलो बताओ क्या बनेगा, कौन बताएगा क्या बनेगा? रोहित सयंग, क्या रोज चालू करूं भाई नया बैच? यार तीसरे बार नया बैच चल रहा है, तीसरी बार चल रहा है नया बैच, ठीक है? रोज चालू होता है कि ट्यूशन वाले को रोज बोलते हो कि नया चालू करो, बेचारा मर जाएगा। हमेशा पुराने बैच में शामिल करा जाता है जब बाद में एडमिशन लेते हो, तो वैसे ही यहां पर आपको नया बैच चाहिए, हमारे चैनल खुला हुआ है, वहां पर जाना, आपके लिए नया हो जाएगा वो, पहले लेक्चर से देखना शुरू करना, नया बैच बन जाएगा, समझ रहे हो? पढ़ाई लेट से शुरू मत करो यार, लेट मत करो, अब टाइम आ गया है पढ़ाई करने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। चलो जल्दी जल्दी करते हैं रिएक्शन, बन गया सर। ओके प्रिया शर्मा, क्या बना? ये जिंक जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ZnCl2 बनाएगा, ये दो बार चाहिए। C2H5 दोनों चिपक गया, जुड़ गया, बन गया C4H10। जैसे ये जोड़ने पर क्या बन गया? C2H6 बन गया। नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? C2H6 ये बन गया, ये ब्यूटेन, ये इथेन है। अब नामकरण तो जानते हो भाई आप लोग यार, ये सब इसके चक्कर में मत पड़ो, आप सीधा नामकरण करो, इथेन। अरे यार इथेन ANE, ये क्या बन गया? ब्यूटेन। चलो अपन समझ में आ गया ना आपको, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया समझ में आ गया। अब अगला धातु ले रहा हूं मैं, कॉपर। कॉपर धातु लूंगा तो रिएक्शन कौन सा कहलाता? अलमैन रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन कहलाता? अलमैन रिएक्शन। चलो अलमैन रिएक्शन, अरे ग्रिगनार्ड करा रहे हैं क्या? चलिए अलमैन रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, तो चलो अलमैन रिएक्शन को मैं यहां से करा देता हूं। ये अलमैन रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन अलमैन, अलमैन रिएक्शन में क्या होगा कि CH3Cl को कॉपर धातु के साथ गर्म किया जाता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। आप में से कौन बच्चा बताएगा क्या बनेगा? चलो मैंने बोला चैलेंज है, बना के दिखाओ, चलो बना के दिखाओ, टाइम नहीं लगाना भाई, मैं यहां पर, मेरे से पहले बना के दिखाओ यार, तब मजा आएगा। चलो कौन बनाया? कोई नहीं बनाया, चलो हम ही बनाते हैं। कॉपर की संयोजकता दो होती है, Cl ये भी दो लेगा, तो CuCl2 बनेगा, प्लस Cl तो दो बार हो गया, मैं दो बार लूंगा C2H3, ऐसे CH3 तो दो बार हो गया, तो C2H6 इन्होंने भी बनाया, बन गया L1। कितने बच्चों ने बना के दिखाया था? सर ट्वेल्थ की लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी? चल तो रही है क्या? कहां रहो यार तुम लोग, किस दुनिया में जीते हो भाई? मतलब आप ही बोलो वही सही है ना, दूसरे बोले तू पूछे तो गलत है ना? चलो अपने दोस्तों से पूछो यार, पहले से जो जुड़े हैं उनको पता है कि किस तरह से क्लास चल रही है, बच्चे कितना सक्सेस हो रहे हैं अपने क्लास में, ठीक है? आप लाइन से पढ़ो, चैनल ओपन करो, चैनल के शुरुआत की वीडियो से देखना शुरू करो, या जीरो लेवल का देखना शुरू करो, नहीं आता है तो, ये हर दिन बोलता हूं, रट्टा लगाता हूं। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर कहीं परेशानी तो मैं बताता हूं, एक मेरे टेलीग्राम चैनल है, नाम बता देता हूं टेलीग्राम चैनल का, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, उसमें सब कुछ लाइन से मिल जाएगा। नहीं मिलता है ना? पता नहीं, लाइन से मिल जाएगा, ओपन करके देखना, सब शुरू से सब कुछ मिलेगा, मेरी क्लासेस लाइन से, बस थोड़ा सा पहले जो मिला है उसको देखते हुए चलना। चलो आगे, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया पूछो तो मेरे टेलीग्राम चैनल, और इसका मैं आपको लिंक भेज देता हूं, भेज देना उसके बाद। चलो आगे चलते हैं, अलमैन हो गया, अलमैन के बाद ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड में क्या होगा चलो बताओ? CH3Br ले लेता हूं, चलो Cl की जगह मैंने Br ले लिया, मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, क्या बनेगा? ड्राई ईथर की उपस्थिति में है, अरे एक जैसा रिएक्शन है सब में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो बताओ, आशीष सुरेंद्र, मैंने ज्वाइन किया है, बोला सर वेरी गुड बेटा, हंसते रहो। अंजलि कुमारी, मीना गुप्ता,
प्रिया। चलो 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 चलो, क्या बनेगा बेटा इसमें, क्या बनेगा, क्या बनेगा? चलो बोलो जल्दी से भाई। हमेशा याद रखना कि जब हम रिएक्शन कराते हैं, बेस रिएक्शन क्या होता है। बेस रिएक्शन को मैं यहां पर समझाता हूं, ठीक है। आर एक्स, यहां पर मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराया जाता है। आर की जगह क्या है, तो ये मैं बेस रिएक्शन को नीचे लिख रहा हूं, वैसे ऊपर लिखना चाहिए था, मैं लिख रहा हूं। तो क्या होगा, मैग्नीशियम की दो संयोजकताएं होती हैं। मैग्नीशियम का परमाणु आकार छोटा होने की वजह से कार्बन के साथ भी एक कार्बन धातु बंध भी बनाता है। सो ये क्या करता है, मैग्नीशियम की दोनों संयोजकताएं ओपन हो जाएगा, एक में आपका एक्स जुड़ गया और एक में आपका आर जुड़ गया, तो आर एम जी एक्स बन जाता है। इसको कहते हैं हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बस यहां पर भी वैसे ही ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा। कौन बता सकता है कि क्या बनेगा रिएक्शन? वेरी गुड गायत्री सैनी, बहुत बढ़िया बेटा। ऊपर नीचे करो थोड़ा सा, चैट नीचे करो, चैट कट मत करो, कट मत करो। चलो हाँ जी, वेरी गुड। सावरा गौतम ने बताया, साक्षी सोनी ने बताई, है ना, सत्या कुमारी, सत्या कुमारी गलत हो गया बेटा तुम्हारा, थोड़ा सा कोई बात नहीं, गलत हो गया। चलो अच्छी बात है, आपने कोशिश तो किया लेकिन थोड़ी गलती है। मैग्नीशियम की संयोजकता दो होती है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये अपनी दोनों तो क्या है, ये CH3 भी आर, तो ये दो भाग में टूट गया, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ फिर MG के दूसरे साइड में BR जुड़ गया। यह ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, इसको कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है, C2H5। अगर मैंने आपको यह कहा तो क्या होगा बताओ, तो C2H5Br की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? बस याद रखना, ड्राई ईथर में के साथ की उपस्थिति को दर्शाना जरूरी है। अब बताओ कितने बच्चे ने बना लिया? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं 65% बच्चे। और बच्चों को ज्वाइन करना है यार, अपने दोस्तों को ज्वाइन कराना है यार, ताकि केमिस्ट्री में यार सुपर हो जाओ भाई। अभी मैंने ये सोचा है कि आपको ये छिछली क्लासेस, यानी सरल चीजें, बेस चीजें, अब बेस से भी एडवांस आपको पढ़ाऊंगा जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा। आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने आपको फिजिकल, मतलब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, डीप में पढ़ाया, बहुत सारी जानकारी दिया मैंने। वही बात आपको रिएक्शन के बाद आगे जाते जाना, बहुत गहरी है बेटा। अगर आप ध्यान दोगे, मेहनत करोगे, तो हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप मेहनत ही नहीं करोगे हमारे साथ, हम जो क्लास ले रहे हैं उसके साथ ध्यान ही नहीं दोगे, हमें भी लगेगा यार बच्चे हल्के फुल्के हैं, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, क्या करें भाई, पढ़ा देते हैं जितना। लेकिन यार मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी जो जिम्मेदारी उसका निर्वहन किया है, आप भी निर्वहन करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, तो मैं आपको थोड़ी डीप नॉलेज भी देते रहूंगा। अब कठिन लगे तो ये नहीं, सर समझ में नहीं आया, ये मत कहना यार। ये जहां कहोगे ना, सामने वाले टीचर का दिल टूट जाता है। कब खत्म होगा कोर्स? तब भी दिल टूट जाता है। सर समझ में नहीं आया? तब भी दिल टूट जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो बोलते हैं ना आप, तो दिल टूट जाता है। तो वो कभी टीचर को मत बोलना, टीचर को कभी मत बोला करना सर नहीं समझ में, सर मुझे, मैं इस पे प्रयास करूंगा, ये शब्द बोलो, लगता है बच्चा पढ़ने वाला यार, कोशिश करेगा, ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग करो यार। जैसे अक्सर बोलते हैं ना, हम लोगों को लोग सिखाते हैं कि सर स्टूडेंट को ऐसा मत बोलो, ऐसा डांटो मत, ऐसा मारो मत, पीटो मत, वैसे ही हम लोगों को, तो आप लोगों को भी ये सिखा रहे हैं कि शिक्षक को भी कैसे हरासमेंट में आप डालते हैं, वो मत डालिए। मेरी बात नहीं करूं, आप स्कूलों में भी यही करते हो तो वो मत करना बोल रहा हूं। चलिए साहब आगे बात करते हैं, ये बन गया ना, मैं इसको बता देता हूं, ये दो भाग में टूट गया, तो C2H5 एक वैलेंसी के साथ, दूसरा Mg, फिर ये Br जुड़ गया, बस ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। आसान है भाई, मजेदार है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन की तरफ जाएंगे तो बाकी आगे की बात है, बहुत सारी बातें हैं। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की एक विशेष रिएक्शन करना है तो मैं आपको बता दूं, एक काम करिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट
विक्रम है कमिस्टर लिख के देखना, बहुत सुपर वीडियो है यार। इस ये भी कितने सारे काम आते हैं आपको समझ में आएगा इसके रिएक्शन करने में। यार जो हिंट करता हूं, जो कहता हूं ना, वो करके दिखा करो। ऐसे सीखोगे ना किसी को भी पछाड़ दोगे, पर सीखना तो जरूरी है। चलिए साहब, अगला रिएक्शन है कोरे हाउस। अब बोले सर एक बार में समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला। ये तीन चार समझ में तो आएगा, भूलोगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को थोड़ा समझा दूं, चलो क्या होता है इस, ये रिएक्शन कुछ स्टेप में होती है। तो प्रथम पद, मैं पदों में समझा रहा हूं, प्रथम पद एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैं लिथियम धातु से कराऊंगा ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर। लिथियम की संयोजकता होती है एक, तो या आर के साथ जुड़ जाएगा तो आर एल आई बनता है एक। दूसरा क्या करता है बताए, और एक लिथियम चाहिए बोले, क्योंकि एक्स के साथ जुड़ना है तो एक्स को लेकर के, एक्चुअली पहले एक्स को लेकर के एल आई एक्स बनता है, जैसे सोडियम NaCl बनता है ना वैसे, तो NaCl ये NaX बन गया, NaCl जैसा, तो LiX बन गया। और यहां पर जो फिर ये R बचता है उसके साथ R लिथियम के साथ जुड़ जाता है, ये कार्बधात्विक कंपाउंड बन जाता है। शब्द बोला था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक बन जाता है। अब देखो ये जो कंपाउंड है इसकी अभिक्रिया कराई जाती है CuI के साथ, जबरदस्त द्वितीय पद। बेटा इसको प्रैक्टिस करना यार, वैसे तो कई बार कई बुक्स में रहता नहीं है, नहीं करो तो मत करो, हमें क्या करना है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करा रहे हैं, आप एक बार करो, आगे जाके फायदा तुम्ही को है, ठीक है। डॉक्टर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो चार दवाइयां देते हैं, एक दवाई जरूरी रहता है जो किसी बीमारी के लिए काम आता है, तीन चार दवाइयां बिल्कुल जरूरी नहीं होता वो भी देते हैं। तो आप बोलोगे यार चार दवाई जो विटामिन्स की है, मिनरल्स की, मेरे को क्या करना है, नहीं लेना। लेकिन याद रखना वो भी आपको बैकग्राउंड से सपोर्ट करता है आपकी बॉडी के लिए। आप बोलते मैं तो रोज विटामिन्स खाता हूं, रोज ये खाता हूं, वो खाता हूं, वो खाता हूं, नहीं नहीं, वो उन्होंने कुछ सोच समझ के उनके साथ हेल्प के लिए दिया है। वैसे हमारी पढ़ाई में होता है कि एक मुख्य दवाई होता है और उसके बाद और कुछ उसके सपोर्ट के लिए रिएक्शंस होते हैं। चलिए ठीक, चलो इसकी रिएक्शन ये जो बना हुआ है ना इनके साथ कराते हैं। तो आर एल आई बना, आर एल आई में एल आई जो है वो आई के साथ मिलकर के बनाता है एल आई आई। अब ऐसा क्यों हुआ, लिथियम धनात्मक आयोडीन ऋणात्मक, जानते हो भाई मेरे, है ना, लिथियम सोडियम के टाइप का पदार्थ है और लिथियम जो क्लोरीन टाइप का पदार्थ है, तो NaCl बनता है, वैसे ये एल आई आई बन जाता है, ये बन गया। अब चलो सुनो, आर यहां पर जो है अब ये दो बार भाग लेगा, तो क्या होगा, एक एल आई तो निकल चुका है, दो आर बचा हुआ है, एक एल आई बचा है, तो एल आई और हां दो आर बचा हुआ है, तो दो आर क्या करता है, दो आर आर टू सी यू एल आई बनाता है, दो आर एक सी यू एक एल आई बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे समझा देता हूं, ये लो भाई, ये लो आर एल आई और आर एल आई, मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये आई इस आई के साथ निकल गया, बचा ही नहीं, दो आर बचा हुआ है, एक एल आई बचा हुआ है, एक सी यू बचा हुआ है, आर टू सी यू एल आई, ये बन गया। इसको कहते हैं कोरे हाउस रिएजेंट, कोरे हाउस अभिकर्मक, इसको कहते हैं कोरे हाउस अभिकर्मक, वो हो गया। चलो पहले समझ लो, फिर लिखना जरूरी है, फिर प्रैक्टिस जरूरी है। तृतीय पद, ये जो बना हुआ है आज टू सी यू एल आई कोरे हाउस रिएजेंट, इसकी अभिक्रिया किसी दूसरे टाइप के एल्कल हैलाइड के साथ कराते हैं, इस टाइप का छोड़ करके दूसरे टाइप का, तो क्या होगा, ये एक्स को ले गया एल आई, तो एल आई एक्स बन गया, फिर इसका एक आर को ले गया, एक आर को ले गया एक्स आर आर डैश, तो आर आर डैश बन गया। और देखो भाई एक आर बचा हुआ है, एक सी यू बचा है, तो आर सी यू बन जाता है।
इस तरह से आपको यहां पर एक एल्केन की प्राप्ति हुई। अब मैं आपको ये कहूं ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट को, ये सारे रिएक्शन इलेवेंथ में पढ़े थे आप, तो बताओ कितने बच्चे इलेवेंथ में इन सारे रिएक्शन को पढ़े हैं, मुझे बताओ। यह सार में जवाब दो, इलेवेंथ में इन अभिक्रियाओं को कितने बच्चों ने पढ़ा। मैं कितने रिएक्शन बताया अभी आपको, एक ये देखिए कितने टाइप का रिएक्शन बताया मैंने, ये पांचों रिएक्शन की बात करूं ना, ये एक दो तीन चार पांच, पांच रिएक्शन है, एक दो तीन चार पांच, बताओ कितने बच्चों ने पढ़ा। तो इस अगर नहीं पढ़ा तो इलेवंथ छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो अब नहीं छोड़ना ट्वेल्थ, फिर बोलोगे, फिर नेट की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, फिर बोलोगे सर हमारा अभी बोलते इलेवंथ खराब हो गया, फिर बोलोगे सर ट्वेल्थ खराब हो गया, क्या करें यार ऐसे स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं बताओ। चलिए साहब बताओ कितने बच्चों ने छोड़ा था, ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल लेकर के आप बना सकते हो, मैं आपको बताता हूं एकदम फाइनल टाइम, फिर उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन है पढ़ना, ये इस तरह का इस तरह का इस तरह का बहुत सारे रिएक्शन, मैं अभी बताऊंगा नहीं, अगले क्लास में देखेंगे। ये स्लाइड और ये पूरे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, डाउटनेट के चैनल में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए कितने बच्चों ने कहा है कि उन्होंने किया है, क्या बोले नो, देख लो 40% बच्चों ने ही पढ़ा है इलेवंथ में, और 60% बच्चों ने कहा है नहीं पढ़ा है, दुखदाई है बेटा, अब तो कर लो यार। चलो ये बीएससी में भी मिलेगा, आपको विश्वास दिलाऊं अगर बीएससी पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि हर कोई तो नीट जाएगा नहीं, मतलब मेडिकल में जाएगा नहीं, और हर कोई तो इंजीनियरिंग में जाएगा नहीं, तो बच जाएंगे कितने परसेंट, तकरीबन 80% बच्चे जो बचेंगे वो कहां जाएंगे, बीएससी कॉलेज जाएंगे। पर दुआ नहीं दे रहा हूं भाई, बेटा याद रखो बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ा है, और उस कॉम्पिटिशन में सब मेहनत कर रहे हैं, एक हम ही हैं जो ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ चलने वाला दोस्त हमसे कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है। चल साहब सर आपकी पढ़ाई केमिस्ट्री जाती है दिमाग में, इसलिए तो आते हैं 8 बजे रात में। ब्राह्मण ने करा है ये चीज, अब पता नहीं आपके नाम क्या है, ठीक है। मैं इसको करता हूं एक बार इसका फाइनल एग्जांपल के साथ, कोरे हाउस का एग्जांपल, CH3Br की अभिक्रिया लिथियम के साथ कराया तो बन गया लिथियम ब्रोमाइड, और बन गया CH3Li, बन गया, यही तो कराया था प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप ये वाला, ये दो बार हो गया। फिर सेकंड स्टेप क्या हुआ, सेकंड स्टेप हुआ CH3Li की अभिक्रिया CuI से कराते हैं तो ये दो बार रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा LiI, फिर CH3 twice CuLi बना। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ बताओ, तो थर्ड स्टेप बोलो क्या होगा, CH3 twice CuLi plus C2H5, आप जो लेना चाहो Cl ले लो, Br ले लो, जो मैं Cl ले लो, तो चलो तो ये क्या हुआ, एक Li जो है इसके साथ मिल गया LiCl plus C2H5 इसके साथ मिल गया, क्या बन गया C2H5 CH3 बन गया, जिसको आप लिख सकते हो C3H8, देख लो, फिर प्लस आपका बच गया CH3 Cu, हो गया ना कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन तीन पदों में होता है। चलिए क्या लिखे हैं, एक मिनट, कुमार विकास कुमार क्या लिखे हैं, सर जी हमारे स्कूल में 11वीं में ओनली 3 चैप्टर पूरा हुए थे बस और कुछ नहीं, तो हम तो बैठे थे भाई, हमको क्यों नहीं देखे यार आप लोगों ने, यार हमारी क्लास क्यों नहीं देखे यार, अब हाँ किसकी गलती है भाई, आप लोग क्यों गलती करते हो यार, अपने दोस्तों को भी बताओ यार गलती मत करो यार कल के डेट में, और आपको भी बहुत बोलूंगा आज देख लिया क्लास आने वाले, कल की क्लास नहीं देखोगे परसों का नहीं देखोगे तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, आपके हाथों में, जब बच्चों के हाथों में दे दी जाती है ना कि यार जिसके क्लास में पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इंडियन संस्कृति में ही ये चीज लिखा हुआ है कि पढ़ाई जो है भारी चीज है, हमें नहीं करना है, और पढ़ाने वाले की गरज है कि वो पढ़ाए,
अन्यथा हमें नहीं पढ़ना है, मार पीट के पढ़ा, हमें क्या गरज पड़ी आपको मारें पीटें आपको डांटें डपटें, क्या गरज पड़ी हमारी, और हमारी क्या जाता है और क्या नहीं जाता है ना। तो याद रखना, ऐसा भी तो नहीं कि हमने डांट डांट के पढ़ाया और आप बड़ा अफसर बन गए तो हमारा कुछ होगा। बात यह देखना, हमारी एक जिम्मेदारी है, हमने जिंदगी में एक चीज लिया है ऊपर वाले, आपको पता है मेरा जन्मदिन कब हुआ था, शिक्षक दिवस के दिन, देख लो बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको पता है मेरे बच्चे का जन्मदिन कब हुआ था, बोलो, शिक्षक दिवस के दिन। अब मेरा जन्मदिन कितना, चलो कौन सा तारीख है बताओ, मैंने अभी बताया, तब मैं सोचता हूं यही बात। और हम लोग उस दिन तीन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, एक मैं, एक दूसरा शिक्षक दिवस, और तीसरा मेरे बच्चे का बर्थडे, तीन चीजों को सेलिब्रेट करता हूं। क्यों करता हूं पता है, क्योंकि मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं एक नया समाज तैयार कर रहा हूं। कल नर्सरी गया हुआ था, संडे की बात है शायद, हाँ संडे को, कल ही तो था संडे क्या, हाँ कल ही तो था संडे, कल मैं कुछ वो अपने गार्डन के लिए कुछ लेने गया था, तो एक नर्सरी वाला जो लड़का है वो बोलता है, सर आप विक्रम सर हो क्या, हो ना, मतलब विक्रम सर हो ना, कन्फर्म किया। तो ऐसे जहां भी जाऊंगा कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाते हैं, उस दिन भी बताया था एक बात, ये क्यों क्या है ये, और उस बच्चे ने एक कहा कि सर मैं आपकी क्लास देख के पढ़ाऊं सर, और वो कुछ बताया, अच्छी खासी तैयारी कर चुका है, हाँ फार्मेसी कर चुका है, वो बच्चा फार्मेसी कर चुका है, और बोलते हैं कि फार्मेसी करने के बाद मैं नीट का भी तैयारी अभी करने वाला हूँ क्योंकि मुझे MBBS करना है। और वो बच्चा करता है क्या बताओ, उसकी पूरी घर की जिम्मेदारी है, वो नर्सरी चलाता है, पेड़ पौधों की दवाइयाँ बेचता है, खाद बेचता है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनती बच्चा है। मैं उसका नाम मुझे हल्का सा याद आ रहा है, राज चौहान शायद उसका नाम है, मैं वीडियो नहीं बनाया कल आपको बता दूँ, तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जब बात करते हैं मिलते हैं तो ये, और आप लोग भी अगर मिलो मुझसे तो ज़रूर बात करना, अगर पहचानो तो ज़रूर बात करना, बहुत खुशी होती हमें। लेकिन ये क्यों हम कर क्या रहे हैं, हमें अपने आप में खुशी होती कि हम स्टूडेंट को कुछ दे रहे हैं, मतलब लोगों को कुछ देना, समाज को कुछ दे के जाएंगे यार इस दुनिया से यार, और ऐसी चीज दे के जाएंगे जिसमें वो समाज अपना भविष्य रचेगा। बेटा वही आपको करना है। कोई बताया क्या मेरा जन्मदिन का तारीख कब, अरे वाह, मतलब आपको याद रहता है 5 सितंबर। एक बच्चे ने लिखा है बल्ली चौधरी, उन्होंने कहा सर 11th फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन का वीडियो। बेटा एक काम करो, अगर वैसा है ना, अगर आपको अभी तुरंत चाहिए तो हमारे डाउटनट ऐप इंस्टॉल करके उस क्वेश्चन को सर्च करो, उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा वो। क्योंकि जो चीज़ आप एक दिन बोलोगे, मैं हर चीज़ को एक दिन तो नहीं कर सकता बेटा, मैं भी इंसान हूँ है ना, और 8 बजे का टाइम एक ही बार मिलता है दिन में, रात का 8 बजे वाला 8 PM जो एक ही बार मिलता है, तो मैं अगर वो चाहिए तो एक काम कर सकते हो, क्लास में आप वो काम करके देख लीजिए, पढ़ के देखिए। सर आपका पढ़ाया क्या लिखा है, गधा भी सीख जाएगा। अच्छा प्रदीप कुमार कह रहे पढ़ाया से गधा, सही है, मैं कई बार मैं ये बात बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ ये लाइन कि मेरा पढ़ाया हुआ गधा भी सीख जाएगा, भगवान ने दिया यार, भगवान ने, और मैं इसमें घमंड नहीं करता हूँ इस बात का, नहीं। हाँ कोई बच्चा अगर मेरा फीस नहीं देगा ना तो मैं ज़रूर उसको बोलता हूँ मेरा फीस दो भाई, है ना, क्योंकि उसके बगैर मेरा घर कैसे चलेगा यार, है ना, तो वो चीज़ अलग बात है। और बेटा एक शिक्षक को गुरुदक्षिणा मिलता है तभी वो काम कर पाता है। दुनिया का कोई भी आदमी यार ना, आपके पापा कहीं जाते हो तो फ्री में तो काम करके आते नहीं हो ऑफिस से, आप भी बड़े हो जाओगे तो फ्री में कहीं पे काम करोगे नहीं, अगर ऐसा करते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, करके दिखाना। क्योंकि कई लोग बोलते हैं टीचर से, टीचर है पुजारी है डॉक्टर से, लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि भाई ये फ्री में कर दे, क्यों करे भाई, कैसे करेगा, कैसे कर, कौन नहीं, क्यों नहीं कर दे, चलो ठीक है, पर कैसे करेगा, कभी पॉसिबल है, उसको भी तो कुछ खाना पीना है, उनके परिवार को चलाना है, अब परिवार क्यों बनाते हैं भाई, अगर हम बोलेंगे हम अपना परिवार ही नहीं बनाएंगे तो भाई हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म, भैया हर किसी को बनाना है, नहीं तो भगवान का वो पड़ेगा, श्राप पड़ेगा, ठीक है। जैसे रतन को देखो अभी तक शादी नहीं किया है ना, 26 दुनी अब कितना हो गया बेटा, 52 साल का उम्र चल रहा है उसका, रतन शादी ही नहीं किया है ना, उसके लिए लड़की वड़की ढूंढो भाई, है ना, क्यों रतन 52 साल का हो गया, मतलब दो लड़की चाहिए उसको एक साथ, अरे रतन
चलिए भाई ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जितने बच्चों का आज बर्थडे है उन सबको हैप्पी बर्थडे।